तो फ्रेंड्स अब हम आ पहुँचे हैं कौन सा मंदिर है, मैं तो नाम ही भूल गई रमन रेती आश्रम। और अभी मंदिर खुला नहीं है, मंदिर के पट तो जब खुल जाएगा तो इसके अंदर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बाहर के ही व्यू जो हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए जिधर ये उधर हिरण का जो पार्क बना रखा है वहाँ चलते हैं। ये देखो ये क्या है भाभी, इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा सा मुंह जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बड़ी चोंच वाला है इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं। ये सब हिरण है। ये क्या खिला रहे हो वैसे, बाजरा है क्या? बाजरा नहीं है, बाजरा अन्न अन्न की चीज़ है। कितने हिरण है और आराम से खा रहे हैं, दिखा ना। फेंकना मत, बल्लो हाथ में फेंकना मत, हाथ में खिलाओ, हाथ में से खा दे आराम से। ये खिलाओ हाथ में, ऊपर लो चार चार खा जाएंगे सब, खा के लो, ऊपर टेढ़ा कर दो हाथ, लो 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 लो। रुक थोड़ा सा, दाना रोकना। बड़े प्यार से ना सबको मार रहा है, ये जा रहा देखो राजा की तरह कैसे घूम रहा है, सबको भगाता है ये। और वो सामने कुछ और है, सामने क्या है, ये ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सामने जो है बड़ी सी चौच वाला। कितना खूबसूरत ये आश्रम बनाया हुआ है। अभी आगे चलेंगे, पहले ये वाले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। हाँ और यहाँ तभी तो बहुत अच्छा लगता है। अभी बालू में चलेंगे जब देखना भाभी, यहाँ पहले बालू ही थी, नहीं अभी भी है बालू उधर है। मिट्टी में बैठ के जाओ, रज रज में लोट पोट, डुबल चला दो, ये रमन रेती से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रेती है इसी में ही सबको रमड़ना होता है। हमने लोट लगाई ये छोटी छोटी, यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर कुटियाँ बनाई हुई है, ऐसे ना ऐसे अभी कर रहे हैं। ये देखो हमारे शुक्ला जी अपने आसन लगा के बैठ चुके हैं, ये पूरी लोट लगा लेते हैं। बैठ जाओ। यार कुटियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं, कितना खूबसूरत लगता है रमन रेती में आके। ऐसे नहीं बने, देखो ऐसा प्लेन करो, पहले अपनी आगे भूमि को समतल करो, शुद्ध मन से बनाओ, यहाँ ठाकुर जी को चरण बना दो, घर में सुख शांति हो, ऐसा प्लेन करो, पहले भूमि को समतल करो, ऐसा देखो समतल करके, ऐसा समतल करो, समतल करके ये अनामिका उंगली हो ही नहीं जिससे तिलक करें, इससे ऐसा चार कोने का चौरस प्लॉट बनाओ, आराम से ऐसा प्लेन कर लो, समतल करो, समतल करके ये अनामिका उंगली हो ही नहीं इससे तिलक करती हैं, सुटकारे करती हैं, इससे चार कोने को ऐसा चौरस प्लॉट बनाओ, चौरस बनाओ, चौरस बना के देखो ये दो उंगली ऐसा द्वार निकालो अपनी साइड में घर का घेर बाहर से, हाँ चार कोने का स्क्वायर बनाओ, चौरस बनाओ, चौरस बना के
ये दो उंगली से ऐसा द्वार निकालो, मुख से बोलो हरि का द्वार। हाँ, ये दो उंगली से ऐसा बाहर साइड द्वार निकालो, जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा हुए नहीं, ध्वजा अपने घर के ऊपर में ऐसा ध्वजा निकालो, घर को मंदिर बनाओ, ऊपर साइड ध्वजा, हाँ ध्वजा निकालो, झंडा बनाओ, मुख से बोलो धर्म का ध्वजा, धर्म का ध्वजा। हाँ, अब देखो दोनों हाथ ऐसा करिए, ऐसा जोड़ लो, माथे से लगाओ, बोलो राधेश्याम। अब जैसे यशोदा माई माखन निकालती नहीं, ऐसे चलाना, राधेश्याम राधेश्याम कहना, बोलो राधेश्याम 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 राधेश्याम, दोनों हाथ को ऐसा जोड़ो और घर के बीच में ऐसा रखो, मुख से बोलो हे रमण बिहारी, हे राधा रानी, श्री चरणों के दर्शन देना, थोड़ा हाथ ऐसा दबाओ, बोलो राधे राधे। अब दोनों हाथ ऊपर करो और अपने घर में दर्शन करो, देखो क्या बना, दो पग बना नहीं, एक छोटा बने एक बड़ा बने, छोटा चरण गोपाल का है, बड़ा चरण राधा रानी का है, बोलो राधा रानी की, रमण बिहारी लाल की। अब दोनों चरणों के आगे में ये अनामिका उंगली से ऐसा पांच पांच उंगली बनाओ, एक चरण के आगे पांच, दूसरे चरण के आगे पांच, चरण कमल बन जाए राधा रानी बिहारी जी के, दोनों के आगे में, पीछे नहीं आगे बनाइए, आगे बने नहीं ठाकुर जी के चरण। अब दो मिनट ये भूमि का मातम सुनो, आप ये भूमि में बैठे हो, ये कोई साधारण भूमि नहीं रजनी, ये भूमि को क्या बोले, रमण रीति, गोकुल से जब गोपाल जी गाय चराने आती तो ये रज में खेला करते, लोटा करते, ये कदम को वृक्ष, ये अमना जी को भगवान यहाँ लोटपोट की ये खेले, तो ठाकुर जी को नाम रमण बिहारी, ये रज को नाम रमण रीति कहलाए, हमारे ब्रज भाषा में बोले रमण रेत लोटो नहीं, कियो ना यमुना पान, रे मानस तेने जानो नहीं, ये ब्रज को तत्व महा, आप ब्रज में आओ, ये रज में यमुना जी को आचमन नहीं करो, छीटा नहीं मारो, ये ब्रज रज में लोटपोट नहीं करो, तो ब्रज तीरा ताने का कोई फल नहीं मिला, बोलो राधे, बोलो ठाकुर जी के चरणों में से ऐसा रज में, थोड़ा ठाकुर जी की चरण रज में, धन्य धन्य वो ब्रज की माटी, श्याम सुंदर में अपनी जिभ्या से चाटी, थोड़ा रज लेके अपने मुख में डालो, थोड़ा रज का पान करो, जो रस नहीं माखन में वो ब्रज रज चाखन में, थोड़ा माथे से लगाओ, थोड़ा कंठ से, थोड़ा दोनों भुजाओं से, थोड़ा दोनों घुटनों से लगाओ, ये रज के लगने से शरीर को रोग कष्ट दूर हो गए, निरोगी निर्मल काया हो, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए, ये रस से मुक्ति को भी मुक्ति प्राप्ति हुआ है, कि मैं को कभी वर्णन कर ना सके, ये रमण रीति को मूल याके कड़कड़ में बसी श्री युगल चरण की भूल, बोलो राधा रानी की, रमण बिहारी लाल की, बोलो आनंद से ताली बजाओ, बोलो राधेश्याम राधेश्याम, ऐसा लंबा हाथ करो और आनंद से हंसो, कि मैं ब्रज में हंसी खुशी तो अपने घर समाज हंसी खुशी, ब्रज में दुखी तो अपने घर में दुखी, ये आनंद का तीरथ है, बोलो राधे राधे, आप ये भूमि में बैठे हो, ये भूमि का दूजा मातम, महाभारत काल से जुड़ा, खाने को क्या मिला, ये बने देखो बिल्कुल सोना चरण बने दोनों, माया को देख के बोला हे प्रभु हे मेरे ठाकुर जी, मेरा स्वर्ण से पेट नहीं भरे खाने को अन्न, कहा मृत्यु लोग जा अन्न दान ब्राह्मण भोजन करा, क्योंकि कर्ण सोना चांदी, हम आए हमारी यात्रा सफल करना, हम से जाना अनजाना, दो चलो मंदिर के दर्शन करने चल रहे हैं, सामने एक हजार लोग रहते हैं, संत संत अभी मंदिर की तरफ चल, ये ठाकुर जी का मेन मंदिर, और
गोविंद प्रभु रसरूप माधुरी बरसत है चाचर रस्त रस्त दर्शन हम लोगों ने कर लिए, अब हम घर वापस जा रहे हैं। लेकिन आरती के समय यहाँ पर ना बहुत अच्छा दृश्य होता है, पर वो थोड़ी आरती लेट हो जाएगी क्योंकि हाथी यहाँ आरती में शामिल होते हैं और वो संग में आरती करते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी वो इस पहले हाथी खुले में रहते थे, अब हाथी उधर बंद एरिया में कर दिए हैं, तो हम अभी हाल फिलहाल आपको हाथी भी नहीं दिखा पाएंगे। तो बाकी आप हम मैंने सारा आपको दिखाया राम मंदिर थी, और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी करी। यहाँ आओ मंदिर में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। काफ़ी स्पेसियस है ये मंदिर और बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो ऐसी छोटी छोटी यहाँ कुटियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ अंदर जो है प्रसाद मिलता है। फोटो खींच लो आप। सारी कुटियाएं बंद हैं अंदर से, इस पर सबका नाम लिखा है जिस जिसकी ये वो है कुटिया।